नमस्कार, आपकी हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं अब ऐसी खबर की ओर जो युवाओं से जुड़ी हुई है, यानी कि आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे युवाओं से कराने वाले हैं जिन्होंने कोरोना की उस मुश्किल घड़ी में आगे आकर लोगों की मदद करी। इस घड़ी में सभी लोग अपने घरों में कैद थे और माइग्रेशन चल रहा था, यानी कि लोग जो है यहां से वहां पलायन कर रहे थे। तो हमारे साथ यहाँ पर महाकाल ग्रुप के कुछ लोग जुड़ेंगे। महाकाल ग्रुप जो है वो विदिशा का एक ऐसे युवा संगठन है जो कि सोशल वर्क करता है, लोगों की मदद करता है। कोरोना के समय में इन युवाओं ने खुद से फंड्स रेज किए और साथ ही रोज खाना बनाकर लोगों को ये पैकेट जो है वो दिया करते थे, जो कि खाने के लिए परेशान हो रहे थे और दवाइयों के लिए परेशान हो रहे थे। इस कोरोना के पैंडेमिक में जो है इन युवाओं ने आगे आकर बढ़ चढ़ कर काम किया और लोगों को दवाइयों के साथ साथ राशन और जितनी मदद हो सकती थी वो सभी उपलब्ध कराई। तो बता दें आपको, मुश्किल की घड़ी में ये युवा जो हैं ये आगे आए और इन्होंने लोगों की मदद करी। किस तरीके से मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि इस वक्त में इन युवाओं के पास कोई और मदद के लिए नहीं था, इन युवाओं ने खुद की मदद की और साथ ही फंड्स रेज कर जो है इन्होंने रोज खाना बनाया, पैकेट्स बनाए और रोजाना तो कोविड के वक्त में मानवता का परिचय इन युवाओं ने दिया। अपनी शान की परवाह किए बिना इन्होंने उन सभी मरीजों की, उन सभी लोगों की मदद की। और हमारे साथ महाकाल ग्रुप के सदस्य अंकुर ठाकुर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंकुर जी, स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। जी अंकुर जी, आपसे शुरुआत में मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस वक्त कोरोना का पहला वेव आया था उस वक्त में महाकाल ग्रुप ने किस तरीके से काम किया, आप सभी युवाओं ने किस तरीके से मदद की, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह काम करना चाहिए? हमने देखा कि बहुत से लोग भूखे थे, मतलब सबसे पहले हमें पता चला था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पूरा लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन था, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बाहर के आते हैं, उन्हें ना उनके जो परिजन थे वो लोग भूखे बैठे हुए हैं। तो हमें वहां से पता चला कि ये लोग भूखे बैठे हैं, तो फिर हमने सबसे पहले वहां पे फूड डोनेशन स्टार्ट किया। उसके बाद हम पता चला हमें कि शहर में भी काफी लोग ऐसे हैं जिनका राशन खत्म हो चुका है, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हमने वहां पे फूड डोनेशन स्टार्ट कर दिया था। हमारी टीम है तो उसमें सब लोग, पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। वो पता करते रहते थे कि कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है खाने की और वहां पे आके हम लोग डोनेशन स्टार्ट कर देते थे। अंकुर जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे युवाओं की तस्वीरें में दिख रही हैं, बहुत सारी आपकी टीम जो है काफी बड़ी है, तो कितने लोग आप लोग थे उस वक्त में, किस तरीके से काम कर रहे थे, सुबह से शुरुआत कैसे होती थी, क्योंकि रोज का काम था आपका ये? रोज का काम था तो उसमें ऐसा होता था हम लोग मतलब एक दिन पहले रात में हम लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेते थे कल के कौन कितने बजे आएगा और क्या मैनेज करेगा। और हमें मतलब एक्चुअली क्या होता था, हम लोग पैकेट्स बनाते थे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमें पता रहता था एक दिन पहले एरिया का कि हाँ यहाँ इतना पैकेट जाना है। लेकिन सडन राहगीरों के जो निकल रहे थे, हमारे पास प्रशासन का कॉल आ जाता था कि वहाँ पे कुछ लोग हैं वो भूखे बैठे हुए हैं, आपको आप कर पाओ, तो अब कर पाओ वाली बात तो थी नहीं ना, करना है ही, जब काम शुरू किया है तो फिर कैसे हट सकते हैं। तो हम रात में 12 बजे भी खुद बना लेते थे खाना जी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है हमारे ग्रुप मेंबर्स ने वहीं पे खुद ने भी खाना खाया है उनके साथ बैठ के, क्योंकि हम लोग सुबह निकलते थे और हमें भरोसा नहीं होता था रात में हम कब घर पहुंचेंगे जी। तो अंकुर जी, जब सब कुछ बंद था, जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त जब हर दुकान बंद थी, तो खाने के राशन का व्यवस्था आप किस तरीके से कर रहे थे, फंड्स कैसे मिले आपको, किस तरीके से पैसे आप लोग इकट्ठे करिए, क्योंकि आप सब युवा हैं इस वक्त में, और ऐसे में किस तरीके से पूरा जो व्यवस्था थी वो हुई उस वक्त में? स्टार्टिंग हम लोगों ने ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन से की थी, हमारा ग्रुप काफी बड़ा हुआ है और दुकानें बंद थी तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स की खुद की इतनी शॉप्स हैं कि हमें मतलब मार्केट में कहीं जाना नहीं पड़ा, तो सब हमारा सामान आता गया, ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद जैसे पता चलता गया विदिशा वालों को कि हाँ ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 5 साल से फूड डोनेट करते हुए आ रहे हैं हर मंगलवार को जी शाम को, तो हम लोग तो लगभग सबको पता है कि हम लोग डोनेशन करते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चला कि हाँ इन लोगों ने कोरोना में भी फूड डोनेशन स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे जो कॉन्टेक्ट में थे बहुत से लोगों के हमने फोन आए, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, किसी ने सामान दिया, किसी ने मतलब कैश का डोनेशन किया,
बाहर आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे पास डोनेशन आए, क्योंकि हमारे भैया लोग हैं कुछ बड़े, वो बाहर हैं, उन लोगों ने भी डोनेट किया। और बाकी सामान की हमें कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। हम लोग एक दिन पहले बता देते थे कि आज जैसी चीज खत्म हो रही है, अगले दिन ग्रुप का कोई भी कोऑर्डिनेटर जाके सामान ले आता था। जी अंकुश जी, आपने बताया कि हर मंगलवार जो है फूड डोनेशन आपकी तरफ से 5 साल से होता आ रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी क्या पूरी कहानी है? इसकी कहानी ऐसी है कि हम लोग एक करवा महोत्सव करवाते हैं, उसमें हमारी टीम अच्छी खासी इकट्ठी हो जाती है। वो उस चीज को कंटिन्यूस रखने के लिए हमने स्टार्ट किया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलर चलना चाहिए कि जिससे सब आपस में मिल सके। तो उसी मतलब वीक में एक बार हमारा पूरा ग्रुप फूड डोनेशन के लिए इकट्ठा हो जाता है, तो आपस में मिल भी लेते हैं, फूड डोनेशन भी हो जाता है जी, और हमारा ग्रुप भी कंटिन्यूस चलता रहता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रुप बना लेकिन एक प्रोग्राम किया, उसके बाद कुछ ठिकाना नहीं है अगले साल तक रहा या नहीं रहा। तो ये हम लोग रेगुलरिटी हमारे ग्रुप की मेंटेन करने के लिए भी हम लोग डोनेशन हमने सोचा कि ये स्टार्ट करते हैं। अंकुश जी, अगर कोई एक्सपीरियंस आपका हो माइग्रेशन के वक्त में, आपने बहुत सी तस्वीरें देखी, जो तस्वीरें जो सभी के लिए जो चौंकाने वाली थी, तो जब माइग्रेशन हो रहा था, जब लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे कोरोना के वक्त में, जो लोग बीमार थे, जिन्हें जरूरत थी ऑक्सीजन से लेकर यहाँ पर दवाइयों की, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल को छू गया हो और आप खुद भी उसमें सब रह गए हों? सबसे बुरा एक्सपीरियंस हम लोगों का था, हम एक बार रात में 11:30-12 बजे करीब फूड डोनेट कर रहे थे हाईवे पे, तब हमें एक ग्रुप मिला 10 से 12 लोग पैदल आ रहे थे सांची के तरफ से, वो बैठे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे, उनके पैरों में से भी खून आ रहा था। हमने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो वो आ रहे थे साउथ से, वो कंटिन्यूस 3 दिन से पैदल चल रहे थे, और उन्हें एमपी के बाहर कहीं ना खाना मिला ना पानी मिला। वो ये बता रहे थे कि हम पानी भरने भी जाते थे तो पुलिस वाले हमें मार के भगा रहे थे एमपी के बाहर, और हमारे विदिशा का प्रशासन ऐसा था किसी ने वहां विदिशा से किसी को भी पैदल जाने नहीं दिया। तो बस वो एक्सपीरियंस, मतलब वो जो आंखों ने वो तस्वीर देखी थी उन लोगों की रोती हुई, वो बहुत उस दिन समझ में आया कि मजबूरी कितनी बेकार होती है। अंकुश जी, कोई संदेश अगर आप यहाँ से देना चाहेंगे जनता को या फिर युवाओं को आज के, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सिर्फ यही है कि एक दूसरे का काम आते रहना चाहिए, और जो जरूरतमंद देखे उसे कुछ की भी जरूरत हो और आप कैपेबल हो तो उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना जिंदगी कितने दिन की है और आगे क्या हो। तो इससे अच्छा किसी की मदद करो तो खुद को भी खुशी मिलेगी और उसे तो मिलेगी। जी चलिए, धन्यवाद अंकुर जी।